नमस्कार दोस्तों, इनकी वर्तमान आयु 48 इयर्स है और ये भारत की जो नव रत्न कंपनी है उसमें से एक कंपनी में ये ऑफिसर ग्रेड पर काम कर रहे हैं और वो ऑफिसर क्यों बने वो भी इनके हाथ में दिख रहा है। अब इनके सवाल है, एक ये डॉटर को एजुकेशन देना चाह रहे, हाँ हो सकता है अगर ये विदेश में भेजना चाहे तो इनके हाथ में कहीं ना कहीं विदेश से धन प्राप्ति की रेखा ऑलरेडी है, तो हो सकता है इनकी डॉटर भविष्य में विदेश में जाए और वहाँ से धन उत्पादित करे, वो संकेत इनके हाथ में क्लियर कट शो हो रहे। सेकेंड सवाल है, रिमेनिंग पीरियड ऑफ माय जॉब वो मैं एनालिसिस में बताऊंगा। हाँ, इसमें एक ऐसा फर्क है कि मैंने इनको अच्छे फ़ोन से फोटो लेने कहा था पर एट पार फोटो नहीं आए, फिर भी मैं 2-3 फोटोग्राफ्स का मिलन कर कोशिश करूंगा एनालिसिस देने की, क्योंकि वो चीज़ इनके पास अवेलेबल थी नहीं और थी तो इनको यूज़ उस समय कर नहीं पाए और इन्होंने फोटोग्राफ भेजे तो मैं ये ज़्यादा परेशानी लेना नहीं चाह रहे तो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, पर 2-4 फोटो का मिलन करके इनका आगे वाला जो समय है वो कैसा जाएगा वो देखने की कोशिश करते हैं। बच्चों के एजुकेशन के कारण ये परिवार से दूर रह रहे 6-7 सालों से, तो ये कब परिवार के आसपास रहेंगे, क्योंकि परिवार एक सिटी में रह रहा है बच्चों की पढ़ाई के लिए और ये भारत में कई लोगों के प्रश्न रहते हैं। अब इनका जुपिटर माउंट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हो सकता है इनकी धन रेखा डिस्टर्ब होने के कारण ये स्थिति पैदा हुई हो, तो वो धन रेखा कब से सुधर रही है, हो सकता है इनकी उस धन रेखा के सुधरने के बाद ये वापस परिवार इनके साथ रहना शुरू करे, यानी अच्छी पढ़ाई दिलाने के लिए कई लोगों को इंडिया में अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि कोई ग्रामीण क्षेत्र में जॉब है या कहीं लंबे है, बार बार एजुकेशन के लिए स्कूल बदलना या कॉलेज बदलना वो पॉसिबल नहीं होता, तो कोई ना कोई बड़ी सिटी में बड़े स्तर के जो ऑफिसर रहते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है, तो वो सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। अब इस पाम को देखें तो यहाँ पर एक धनुषाकार रेखा बन रही है, साइन बन रही है। जब इस तरह की साइन बनती है तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वेरिश पाम है, बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाते हैं। अंगूठा थोड़ा सा बैंड भी हो रहा है तो व्यक्ति मित्रतापूर्ण व्यवहार वाला होता है और फर्स्ट फैलेंज भी बड़ा है और सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, तो अपने हितों की रक्षा भी करने वाले होंगे, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ बात करने वाले भी होंगे, मित्रतापूर्ण व्यवहार वाले भी होंगे और एक अच्छी पर्सनालिटी इनकी रहेगी। मैं ये नहीं कहता बहुत अच्छी होगी पर एक व्यवस्थित पर्सनालिटी के धनी होंगे। जब ये उंगली बैंड होती है तो व्यक्ति धार्मिक होता है और सूर्य की उंगली बड़ी हो तो व्यक्ति हिम्मती होता है प्लस रिस्क टेकर होता है, जेब में 50,000 और 50,00,000 की रिस्क लेनी हो तो ले सकता है। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक थोड़ी सी छोटी रह रही है इस फोटोग्राफ के हिसाब से, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़े से कमज़ोर रहता है व्यक्ति और उंगलियां छोटी है तो फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। अब इनका कलर किया हुआ फोटोग्राफ लेते हैं। इनके बुध पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं और मैंने कई बार कहा है अगर आपके हाथ में बड़ी बड़ी रेखाएं हो तो ऐसे लोगों का बुढ़ापा बहुत सुंदर जाता है, धन के मामले में काफ़ी उत्तम जाता है। और इस बुध पर्वत पर देखें तो थोड़ा सा ये दबा क्षेत्र है और यहाँ पर उभार है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा रहती है और ये थोड़ा सा भी दबाव तो व्यक्ति अपने मन की बात, चाहे परिवार में बैठा हो, चाहे बिजनेस मीटिंग में बैठा हो या कार्य क्षेत्र की मीटिंग में बैठा हो, वहाँ से निकलने के बाद याद आता है मुझे ये काम करना था, ये रह गया, ये बोलना था, ये रह गया। ये कई लोगों का प्रश्न रहता है, ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। अब ये जो बड़े ऑफिसर बने उसका एक ही कारण है, यहाँ पर देखिए आपको क्लियर कट फिश शाइन
दिख रही है, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी का बड़ा ऑफिसर हो, चाहे कोई इंडियन कंपनी या गवर्नमेंट की कंपनी का ऑफिसर हो, उसके सन माउंट पर आपको छोटी फिश साइन तो दिखेगी। इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति ऐसे लोग करोड़ों की इनकम करते, ये छोटी फिश साइन आम लोगों से ज़्यादा तो इनकम देती है पर साथ में ओहदा भी देती है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट इनके हाथ में है। और इसी साइन ने इनको नवरत कंपनी में, ये सरकारी जॉब ही हुई एक तरह की, उसमें इनको ऑफिसर बनाया। और यहाँ पर यश की साइन भी है, ये साइन होने पर व्यक्ति को यश भी प्राप्त होता है, तो ये भी एक एडवांटेज है। यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी है, तो व्यक्ति एक से अधिक प्रॉपर्टी खरीदता है या निर्माण करता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी विद्या रेखा भी है, व्यक्ति बेसिक नॉलेज अच्छा खासा रखता है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी ज़्यादा करता है, और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। अब इनके डॉटर के एडुकेशन के लिए अगर हम देखें तो इनकी एक रेखा यहाँ से निकल कर ऐसे सूर्य पर्वत की ओर जा रही है और एक और रेखा सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। ये 100% इनके बच्चे या तो डॉटर या सन जो भी होगा, कोई ना कोई विदेश में जाएगा जरूर और वहाँ से धन उत्पादित करेगा। अब जरूरी नहीं कि डॉटर कमा रही है तो बेटे बाप के पास पैसा आता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। संतानों की इनकम की लाइनें हमारे हाथों में होती है और इस पार्ट में तो होती है, तो ज़रूरी नहीं होता कि व्यक्ति अगर वो विदेश से कमा रहा है तो इनके पास धन भेजेगा, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है, पर संकेत जरूर होते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि 1000% इनका कोई ना कोई परिवार का मेंबर विदेश जाएगा और विदेश से धन प्राप्त करेगा। और कंटिन्यू धन रेखा है, एक जुपिटर की ओर जाने वाली रेखा है, व्यक्ति को चार लाभ दिलाती है, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। कामकाज के अंदर भी अगर जॉब भी करता है तो व्यक्ति मैनेजमेंट या मैनेजरियल पोस्ट तक पहुंचता है। तीसरी चीज सरकारी लाभ जो इनको प्राप्त हो चुका है, और पॉलिटिकल लाभ, कई लोगों को चारों लाभ मिलते, किसी को तीन, किसी को दो और किसी को एक लाभ प्राप्त होता है। एक लाइन नीचे की तरफ भी जा रही है, ये व्यक्ति को गुस्सा दिलाती है, हमेशा दिमाग में गुस्सा भरा रहता है जब आपकी लाइन कोई ना कोई मंगल की ओर जाती है। जुपिटर माउंट काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और बहुत सारी खड़ी लाइनें बुढ़ापे में चल रही है, ये काफ़ी जगह से प्रोग्रेस, इनको बुढ़ापे में अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा। एक लाइन दो लाइन ये मल्टीपल इनकम की ओर इशारा कर रही है, धार्मिक बनता है व्यक्ति, सेवाभावी बनता है, और पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस होते हैं उसमें इंटरेस्ट जाता है। और जुपिटर माउंट मेरे हिसाब से काफ़ी उत्तम है, ये खाने के भी शौकीन होंगे, और इनका एक ही माइनस पॉइंट होता है, ये जो भी कार्य करते बड़े स्तर का करते पर इनको सुनाने की आदत होती है, सुनने की आदत नहीं होती। हाँ, इनसे बड़ा जुपिटर माउंट वाला इनके पास आया तो उसको यसर करेंगे, बाकी अगर इनसे छोटा जुपिटर माउंट वाला इनके साथ टच में आया तो उसकी सुनेंगे नहीं, ये इनका माइनस पॉइंट रहता है। पर खाने के शौकीन होते, जो भी कार्य करते दिल से करते, बड़े स्तर का करते, तो ये भी एक खासियत इनमें पाई जाती है जुपिटर माउंट वालों को। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है, तो ऐसे लोगों की जो शारीरिक ऊर्जा होती है वो काफ़ी उत्तम होती है, और थोड़ी सी लाइन है तो नेचुरल है, व्यक्ति परिवार से दूर रहेगा तो थोड़ा सा चिंतित रहता है, पर इतनी भी लाइनें नहीं है कि इसका कोई उपाय किया जाए, पर ये चिंतित स्वभाव की ओर इशारा जाता है। भारी मंगल बहुत ही अच्छा है, ऐसे लोग संकट के समय एनर्जी से संकट का सामना करते, जब किसी से मिलते तो एनर्जी के साथ मिलते और हिम्मती होते ऐसे लोग। चंद्र पर्वत पर भी देखें तो ये ट्रैवल लाइन है, ये व्यक्ति को ट्रैवलिंग कराएगी विदेश की,
जीवन रेखा से भी रेखाएं जा रही है, ये भी वो संकेत कर रही है। प्लस ये जो रेखा है ये भी चंद्र पर्वत पर जा रही है। तो ऐसे लोग अपने जन्म स्थल से दूर जीवन का विकास करते हैं और कई बार ऐसे लोग विदेश में भी सेटल हो जाते हैं। तो हो ना हो भविष्य में ये विदेश में भी सेटल हो सकते हैं, इस तरह के संकेत इनके हाथ में है क्लियर कट। और चंद्र पर्वत भी मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा है या बहुत खराब है, मध्यम से अच्छा है, तो ये प्लस पॉइंट है। अब मनी ट्रायंगल को देखें तो मनी ट्रायंगल का एक माइनस पॉइंट है, ये ओपन रह रहा है, तो इसके कारण खर्च का पैमाना व्यक्ति के जीवन में अधिक रहता है। इनकम तो रहती है पर खर्च का पैमाना काफ़ी मात्रा में होता है जब आपका मनी ट्रायंगल पैक नहीं होता। तो ठीक है, फिश साइन है तो इनकम इनके जीवन में आ रही है पर ट्रिमेंडस एक्सपेंस रहता होगा इनके जीवन में, क्योंकि इनके हाथ में मनी ट्रायंगल कंप्लीट नहीं है। और अगर ये फोर्क बनता है तो व्यक्ति के जीवन में यात्राएं भी भरपूर रहती है। अब चलते हैं इनके शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत पर लग्जरियस लाइन है और किसी भी शुक्र रेखा पर अगर आपको एक दो तीन ऐसे ऊपर जाती रेखाएं दिखे तो ये लोग काफ़ी लग्जरियस लाइफ जीते और धन के मामले में भी अधिक मात्रा में धन आता है। और शुक्र पर्वत एक व्यवस्थित है, बहुत मैं ये नहीं कहूँगा बहुत उभार वाला है और ना दबा हुआ है, तो एक व्यवस्थित लाइफस्टाइल जीने वाला व्यक्ति होता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी तरह रहता है, इस तरह की लाइफस्टाइल इनकी होती है। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो इस लाइन के बारे में तो जजमेंट ले लिया, ये तीन टुकड़ों में बट रही है। एक तो यहाँ चली, ये शुरुआत में बहुत आदर्शवादी होंगे और बहुत गुस्से वाले भी होंगे। फिर एज लगभग 34 के आसपास इनके माइंड चेंज हुआ होगा और ये कमर्शियल बनने की कोशिश की होंगे इन्होंने, क्योंकि यहाँ से ये धन रेखा हृदय रेखा शनि पर्वत से स्टार्ट हो रही है और ये भी बैंड होकर इस तरफ चल रही है, तो ये भी गुस्सा दिलाती है व्यक्ति को। और यहाँ से सीधी चलकर उत्तम तरीके से चल रही है और यहाँ पर फ्लड लाइन बनी हुई है, तो व्यक्ति कितना भी दुखी हो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढने की कोशिश करता है। अब माइंड लाइन पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है और ये सीधी चलकर यहाँ तक जा रही है। ये माइंड लाइन थोड़ी सी छोटी है, इसका मतलब ये नहीं कि बुद्धि प्रतिभा में कम होती है, बुद्धि प्रतिभा भरपूर होती है, केवल एक ही माइनस पॉइंट होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव आ जाए तो व्यक्ति को गुस्सा आता है, बस ये एक माइनस पॉइंट इनमें पाया जाता है, इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं होता। अब जीवन रेखा पर देखें तो 129 के आसपास मुझे राहु रेखा दिखी, एक छोटी सी रेखा दो साल के बाद 31 के आसपास दिखी, एक 34 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा या 35 के आसपास, और एक 38 के आसपास राहु रेखा काट रही है और एक रेखा लगभग 48 के आसपास काट रही है। इतनी राहु रेखा है इनके जीवन में डिस्टर्बेंस ला रही है। और जीवन रेखा उसके बाद यहाँ पर देखे तो ये ट्रायंगल भी बन रहा है, तो प्रॉपर्टियों के भी सुख मिलेंगे इनको और जीवन में विकास भी होगा। और बाद में कोई राहु रेखा मुझे नजर नहीं आ रही इस राहु रेखा के बाद, और जीवन रेखा भी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इनकी धन रेखा देखे तो पूरी चंद्र पर्वत से शुरुआत होती है, ऐसे लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है कामकाज के अंदर, ये भी देखा गया। पर आपकी जब धन रेखा डिस्टर्ब हो उस समय नहीं मिलता, पर जब सुंदर हो जाती है तो वापस लोगों का सहयोग मिलना चालू होता है। और सेकंड चीज, कई लोगों को विदेश से भी इस धन रेखा के कारण बेनिफिट होती है और उसके संकेत इनके हाथ में काफ़ी भरपूर है। एक सन लाइन भी है जो टुकड़ों में चल रही है, ये यहाँ पर चली फिर आगे बढ़ी, फिर यहाँ से एक और निकली आगे बढ़ी, तो ये छोटा सा वी शेप बन रहा है, तो ये भी समृद्धि देता है। पर मनी ट्रायंगल नहीं होने के कारण एक्सपेंस लेवल काफ़ी मात्रा में रहता होगा इनके,
काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्सपेंस लेवल रहता होगा, और यहाँ पर देखे तो छोटे छोटे कट इनको लग ही रहे, और ये पीरियड होगा लगभग 27-28 का, एक पीरियड हो गया इनका लगभग 29 के आसपास, एक 31 के आसपास। उसके बाद देखे तो एक छोटा सा कट 34 के आसपास भी है, एक 38-39 के आसपास है कट। और यहाँ पर, यहाँ से अगर इन धन रेखा को देखे तो 36 के आसपास से इनकी धन रेखा थोड़ी सी फैली हुई है। तो यहाँ पर जब फैली रेखा होती है तो वो चाहिए वैसा ग्रोथ नहीं देती और एक्सपेंसेस ज़्यादा कराती है ये चीज़। और अभी ये वर्तमान समय में 48 में चल रहे, और यहाँ से तो ये धन रेखा और डिस्टर्ब होकर यहाँ तक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस शो हो रही है, और ये एज होगी लगभग 49 तक की, और डिस्टर्बेंस 43-44 से इनके जीवन में चालू हुआ है। तो ये डिस्टर्बेंस एक्चुअल में देखा जाए तो ये डिस्टर्बेंस यहाँ से ही शुरू हो गया, ये लगभग पीरियड होगा 40-41 के आसपास से, और इसी पीरियड के आसपास से ये परिवार से दूर रह रहे। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। अभी ये जो धन रेखा है, मैंने इनको यूज़ करने के लिए अच्छा फ़ोन बोला था, पर इन्होंने, इनको उस फ़ोन की अवेलेबिलिटी इनके पास थी नहीं, तो इन्होंने कैसे भी करके कलर वलर करके हाथ के फोटो भेजे। अब इनकी आगे की जो धन रेखा है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये धूप में लिया हुआ फोटो है, यहाँ पर देखे तो ये देखिए यहाँ तक धन रेखा काफ़ी स्मूथ चली, और इसके बाद ये पूरी फैल गई है। अब ये फोटोग्राफ में तो यहाँ तक ये फैली हुई दिख रही है, पर दूसरा फोटोग्राफ ये चीज़ नहीं बता रहा। और यहाँ पर खास कर ये पीरियड तो इनके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव रहेगा, और ये रहा होगा 44 से लेके 48 तक का समय, तो मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है इनके जीवन में, क्योंकि यहाँ पर तो क्लियर कट ज़्यादा फैली हुई रेखा है धन रेखा। अब इनका एक और फोटोग्राफ है, उससे और देखने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर देखिए, ये धन रेखा इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक तो ज़्यादा फैली हुई है, ये 48-49 तक काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, और उसके बाद ये धन रेखा स्मूथ होते हुए आगे बढ़ रही है। पर यही अगर फोटोग्राफ और बुढ़ापे में तो 2-3 जगह से पैसा इनके पास जीवन में आएगा, 60 के बाद तो 2-3 जगह से पैसा इनके जीवन में आएगा, तो ये कंडीशन है। तो हो सकता है इनकी धन रेखा सुधरने के बाद ये परिवार के साथ वापस ज्वाइंट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इनका जुपिटर माउंट परिवार से दूर रख के ऐसा नहीं है, पर इनको धन रेखा का साथ नहीं है। और यही जो इनको जिस फोटोग्राफ फ़ोन से मैंने फ़ोटो लेने बोला था, अगर वो फ़ोन से ये फ़ोटो लेते तो एग्जैक्ट पीरियड में बता सकता था, एग्जैक्ट पीरियड कि ये कहाँ तक स्थिति ख़राब है। फिर भी मुझे इनके बहुत सारे फ़ोटो थे, उसमें से ये फ़ोटो मुझे प्राप्त हुआ, उसमें यहाँ तक तो काफ़ी डिस्टर्बेंस लग रहा है, 48-49 तक तो डिस्टर्बेंस लग रहा है, और एक कट भी लग रहा है, और ये पीरियड में कट लग रहा है लगभग उम्र 50 के आसपास, 50 या 51 के आसपास एक कट है, तो कोई ना कोई एक्सपेंस भी जाएगा इनको। और ये रेखा यहाँ तक चली और ये सीधी आगे जा रही है, और दूसरी रेखा और है, तो कई जगह से पैसा इनके जीवन में आएगा बुढ़ापे में। तो ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये जो समय है इस तरह की जब धन रेखा होती है तो लोगों का सहयोग नहीं प्राप्त होता, अनएक्सपेक्टेड खर्चा रहता है, आय से अधिक खर्च होता है, तो ये कंडीशन है। पर आपके लगभग सारे सवालों के जवाब आपके क्लियर हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता आपके इन कोई ज़्यादा सवाल रहेंगे। फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके पास जब भी अच्छा फ़ोन अवेलेबल आ जाए तो इतने पार्ट का मुझे केवल फोटोग्राफ चाहिए, तो मैं आपकी स्थिति आगे कितनी अच्छी रहेगी वो एग्जैक्ट बता पाऊंगा। तो आशा रखता हूं
आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।